हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो वेजिटेरियन किचन। आप सभी के घर पर कभी ना कभी पनीर की भुर्जी तो बनी ही होगी, पर आज हम इसे रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने जा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारी पिछली रेसिपी वीडियोज़ को चेकआउट नहीं किया है तो उन्हें भी जाकर देखें। सभी वीडियोज़ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर भुर्जी बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए एक मीडियम कटा हुआ प्याज, थोड़े से उबले हुए मटर, एक मीडियम कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, 3 से 4 हरी मिर्च और 3 से 4 कलियां लहसुन की बारीक कटी हुई, 2 टेबलस्पून ऑयल। मसालों में हमको चाहिए रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला पाउडर, आमचूर पाउडर, काली मिर्च पाउडर और सॉल्ट। फिर हमने लिया है 200 ग्राम पनीर, जिसे हमने हाथों से अच्छी तरह से मैश कर लिया है। याद रखें, आपको इसे हाथों से ही मैश करना है, चाकू या फिर कद्दूकस से बिल्कुल नहीं काटना। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। फिर हमने लिया है 100 ml मिल्क और 20 ग्राम बटर। तो चलिए हमारी रेसिपी वीडियो शुरू करते हैं। पनीर भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर गर्म करें और उसमें 2 चम्मच तेल और साथ ही 20 ग्राम बटर डाल दें। हमने यहाँ पर ऑयल इसीलिए डाला है ताकि बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो सके और जले बिल्कुल भी नहीं। अगर हम ऑयल नहीं डालेंगे तो हमारा बटर जल सकता है और हमारी पनीर भुर्जी में बटर का बिल्कुल भी क्रीमी फ्लेवर नहीं आएगा। जब हमारा बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो इसमें एक मीडियम साइज कटा प्याज और बारीक कटी हरी मिर्च और लहसुन डाल दें और इसे तब तक पकाएं जब तक कि प्याज हल्का हल्का पिंकिश ना हो जाए। जब हमारा प्याज हल्का हल्का पिंक कलर का हो जाए तो इसमें एक मीडियम साइज कटा टमाटर डालकर 1 teaspoon सॉल्ट डाल दें और इसे अच्छी तरह से भूनें। जब सब्जियां तेल छोड़ दें तो इसमें 1 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर, 1 teaspoon आमचूर पाउडर और 1 teaspoon काली मिर्च पाउडर डालकर सारे उबले हुए मटर डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। जब हमारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें 100 ml मिल्क डाल दें ताकि इसकी हल्की हल्की ग्रेवी बन जाए। 2 मिनट तक ग्रेवी को पकाने के बाद इसमें सारा मैश किया हुआ पनीर डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने दें। दो मिनट बाद हमारा पनीर अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसके ऊपर धनिया डालकर इसके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर भुर्जी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपको इसी तरह अगली रेसिपी वीडियो में। टिल देन, शपक है, बाय बाय।